हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन रव ब्लॉग में। दोस्तों आज जो मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े में। ये मैच अगर मुंबई के हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत ही नीचे है और प्लेऑफ में जाना काफी मुश्किल हो चुका है उनके लिए, क्योंकि 3 मैच लगातार हार के आ रही है और आखिरी मैच काफी टाइम हो गए जीते हुए। और कोलकाता जो कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, इस समय दूसरे पोजिशन पे है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो कुछ टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का फॉर्म काफी समय से कुछ चल ही रहा है, रोहित शर्मा का भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, छोटी छोटी पारियां खेल रहे हो 10-20 15-20 रनों की 25 रनों की, और सूर्य कुमार यादव ने शायद एक या दो मैचों में कुछ अच्छे पारियां खेली है, उसके अलावा बिल्कुल एकदम फ्लॉप शो जा रहा है उनका। सूर्य कुमार यादव जब चलते हैं तो मुंबई इंडियंस काफी स्ट्रांग दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मुंबई इंडियंस के जो खराब परफॉर्मेंस का एक बड़ा रीजन हो सकता है सूर्य कुमार यादव, उनके फॉर्म में ना आना। और अगर वो फॉर्म में आज नहीं आते हैं, आज अगर अच्छी पारी नहीं खेलते हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, इन सबको जबरदस्त परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। उसके अलावा बॉलिंग लाइन में बुमराह को, कॉर्जे को, पीयूष चावला को, हार्दिक पांड्या को और मोहम्मद नबी जैसे बॉलरों को एकदम 100% देना होगा, नहीं तो ये मैच कोलकाता आराम से जीत जाएगा, क्योंकि कोलकाता जैसी कंडीशन होगी यहाँ पे मुंबई में भी और बैटिंग कंडीशन होगी, और कहीं अगर कोलकाता पहले खेल गया, और इस बार कोलकाता जब भी पहले खेल रही है तो बड़े बड़े स्कोर खड़ा कर रही है। आपने देखा होगा कि 250 रन का स्कोर काफी आराम से बना रही है केकेआर की टीम। मुंबई को अगर जीतना है तो अगर मुंबई कोलकाता पहले खेलती है तो उनको उनको बहुत ही छोटे स्कोर में रोकना पड़ेगा, और अगर मुंबई पहले खेलती है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा ताकि कोलकाता को वो टारगेट चेस करने में मुश्किल हो, और क्योंकि मुंबई के पास एक दो बॉलर अच्छे हैं जो बड़े टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। क्या यहाँ से मुंबई वापसी कर पाएगा या केकेआर अपना जो टॉप टू पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।